अस्सलाम वालेकुम। आज नहायत गम, परेशानी और दुख का मकाम है कि इंसानियत के एक बहुत बड़े मोहसन डॉक्टर के अर्दगवाल कोरोना की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे। ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को और पूरी दुनिया के लोगों को कोरोना से बचाव के लिए बहुत खिदमत सरंजाम दी, लेकिन वो ख़ुद इस मर्ज़ का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। अजीम इंसान जिन्होंने हिंदुस्तान के बहुत से लोगों को कोरोना से बचने के लिए एक उम्मीद की किरण पैदा की और उनका मोराल बुलंद रखा, वो आज हम में नहीं रहे, जो कि नहायत दुख और गम का मकाम है। मैं एक अरसे से अपनी वीडियोस में अर्ज़ करता आया हूँ कि इम्यूनिटी ये अल्लाह का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान है, ये हमारी अल्लाह की तरफ से दी हुई एक बहुत बड़ी कमांडो आर्मी है, जो कि ना सिर्फ कोरोना बल्कि हर तरह के वायरस और इन्फेक्शन से हमको महफूज रखती है। और मैंने बारहा अपनी वीडियोस में आपको गोशगुजार किया कि इसको बढ़ाने के लिए आप रोज़ाना 3-4-5 किस्म के मुख्तलिफ सुबह से लेकर जोहर तक फ्रूट खाएं, उसके बाद दोपहर और शाम को रा फार्म में सब्ज़ियों का 3-4 मुख्तलिफ सब्ज़ियों का और लीफी ग्रीन्स का इस्तेमाल करें, लीमू का इस्तेमाल करें, तो इस तरह से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो सकती है और आप हर तरह के मर्ज से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है कि अक्सर लोग इन बातों पर, जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद होती हैं, उन पर तवज्जो नहीं देते। इस ईद पर और ईद के बाद और ईद से पहले भी लाखों टन के हिसाब से वो गंदी गजाएं, जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, इंसान की कुव्वत मुदाफियत के लिए नुकसानदेह हैं, वो कोला ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, फास्ट फूड, जंक फूड और बेकरी की हज़ारों आइटम्स, शवारमे और इसी तरह के पिज़्ज़ा और इसी तरह के बहुत सी चीज़ें टनों के हिसाब से इंसानों ने खाई, और उनके खाने की वजह से एक तो पैसे का नुकसान हुआ, दूसरा उनकी सेहत का नुकसान हुआ, और उसके नतीजे में एड़ियां रगड़ रगड़ के, तड़प तड़प के, सिसक सिसक के इंसानियत मौत के मुंह में जा रही है। खतारा, आप भी होश के नाखून लीजिए। कुव्वत मुदाफियत अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इंसान पे एहसान है, और इसको बहाल रखने के लिए आप फ्रूट्स वगैरह का, फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट, लीफी ग्रीन्स और धूप में 30 से 40 मिनट धूप में सैर कीजिए। अपना ताल्लुक अल्लाह ताला से मज़बूत बनाइए, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखिए। अगर आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो ये चीज़ें, जो वैक्सीन आप लगवा रहे हैं ज़रूर लगवाइए, लेकिन ये वैक्सीन हर तरह के कोरोना के लिए कारामद नहीं है और हर तरह के बैक्टीरिया और वायरस के लिए कामयाब नहीं है, लेकिन कुव्वत मुदाफियत हर तरह के मसाइल के हल के लिए